हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम हमारी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो इन अर्लियर वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, डू इट। आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो वेल, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज़ अ वे। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। आपको क्या बोला है उन्होंने कि आपको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को, जबकि Q क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। आपको पता है, हम सब जानते हैं कि रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में ही होता है, वो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, बट अगर कोई नंबर है डेसिमल में या कोई नंबर दे रखा है आपको, उसके ऊपर बार है, उसका मतलब ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का है। तो आप देखते हैं, अब आप देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.6 बार। सो लेट मी एज्यूम दैट देयर इज एन एक्स वेरिएबल सच दैट एक्स इक्वल्स टू 0.66666 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ दिस नंबर, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड infinity, okay, because there is a bar which shows that this is a number which is non-terminating but in repeating nature. Now I'm just saying that this is equation number 1. Okay, now I'm doing some operation, arithmetic operation. Arithmetic का मतलब होता है कि मैं जोड़ घटाओ गुणा भाग कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर multiply या गुणा करूँगा। कैसे करूँगा, multiplying इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। ऐसा क्यों किया मैं अभी बताता हूँ आपको। 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 को x में मल्टीप्लाई कर दें 10x, और 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव या आपका जो पॉइंट है वो एक प्लेस क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, पॉइंटर जो रहेगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी नया नंबर आपको मिलेगा 6.666 और 6 एंड सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ क्या करता हूँ मैं, आप देखिए ध्यान से, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, यानी दो में से हमको एक को माइनस करना है। हम चाहते हैं कि सारे पॉइंट के जो डिजिट्स हैं, सारे पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं वो रिमूव हो जाए। अब हमको उनको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर जो नंबर आया उसमें से हम इसको जो प्रीवियस वाला इक्वेशन था उसको माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर, ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 10x माइनस x और यहाँ पर 6.66666 डॉट 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 माइनस 0.66666 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि 0.6666 डॉट 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 वाले सारे नंबर्स चले जाएंगे, आपके पास बच जाएगा केवल 6.0 और यहाँ पर 9x बचेगा। 10x में से 1x चला गया तो 9x, सो योर x विल बी 6/9, दैट विल बी 3 2 6 एंड 3 3 9, 2/3। सो योर रेशनल नंबर विच इज़ इन विच वॉज आस्ड अस टू फॉर्म इन पी अपॉन क्यू फॉर्म विच इज़ केम एस 2/3, सो इट इज़ अवर डिजायर्ड नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉट दे हैव प्रोवाइडेड अस, 0.47 बार। आप देखिए यहाँ पर 4 के ऊपर, 0.4 के ऊपर बार नहीं है, मगर 0.4 के बाद जो 7 है उसके ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर किस नेचर का है। मान लिया कि नंबर लेट x is 0.47 बार, सो आई एम रिमूविंग दिस बार, सो आई एम राइटिंग दिस नंबर एस x इक्वल्स टू 0.47777 ऑफ रिपीटिंग नेचर, 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। सो 0.47 के अंदर 7 जो रहेगा वो रिपीटिंग नेचर का है, तो उसके ऊपर बार था तो हमने उसको कंटिन्यूस लिख दिया। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, जैसा हमने ऊपर करा है, मल्टीप्लाइंग। अब देखिए हमारे पास 0.47 के ऊपर बार है, 7 रिपीटिंग नेचर का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये रिमूव हो जाए, 7 7 7 सारे रिमूव हो जाए और मेरे पास एक नंबर बच जाए 4 7। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको किससे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ,
सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं बताता हूँ। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा यहाँ, और यहाँ पर 4.77777 हो जाएगा जो नया नंबर देगा। मगर मुझे 0.47 को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, 47 बाहर आ जाएगा और 0.777 उसी नेचर में रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो उसके आगे हम चेक करते हैं। मैं आपको कह रहा था जी, मल्टीप्लाइंग वन, पहले इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट वाली, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/10। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं पहले, उससे ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 4.77777। तो 77 के फॉर्म में आ गया मेरा इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा मैंने। मुझे जो तीसरी इक्वेशन रहेगी वो भी 0.777 के फॉर्म में लाना रहेगी एलिमिनेट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है वो इस नेचर की है, टेन एक्स इक्वल्स टू दिस सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग बाय 100 करता हूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उठ के वो 100x इक्वल्स टू 47.77777 एंड रिपीटिंग नेचर की रहेगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 के दिया, तो आपके सामने तीनों इक्वेशन है, 1, 2, 3। अब मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, यानी मैं 2 को माइनस कर देता हूँ तीसरी में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.77777 रिपीटिंग नेचर माइनस सेकेंड इक्वेशन 4.7, सो 4.77777 रिपीटिंग, सो आई हैव गॉट हियर एस वॉट, 47 में से 4 गए तो 43 बचा, और 777 में से सारे एलिमिनेट हो गए तो 0.0, और यहाँ पर मेरे पास 90x बचा, सो मेरे पास x क्या बचा अल्टीमेटली 43/90, सो आई हैव लेफ्ट विद दिस, सो इट इज़ माई क्यू पी अपॉन क्यू नेचर, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस कम्प्लीट्स अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज 0.47 बार और रिपीटिंग। नाउ फॉर इन ऑर्डर टू डू दिस द थर्ड पार्ट, वॉट वी नीड टू डू, सिंपली द गिवन पार्ट इज 0.001 एंड रिपीटिंग। सो वॉट आई डू, लेट मी कंसिडर दिस नंबर एज एक्स इक्वल टू 0.001 बार। What I can write here, the same nature we have to perform, same operation we have to perform, but in different way. How? Well, तो मैं नंबर को एक्सपॉन्ड करूँगा, किस फॉर्म का नंबर बनेगा, ये 001001001 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस से, 1000 से, कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बचेगा, 1000x इक्वल्स टू, यहाँ से 3 पॉइंट शिफ्ट होगा पॉइंटर राइट में, तो हमारे पास 1 बचेगा, 1.001001 बचा। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली आप जब एलिमिनेट करने जाएंगे तो क्या, कैसे एलिमिनेट होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आपके पास क्या मिलेगा, 1000x माइनस वहाँ से x हो जाएगा, और यहाँ से 1.001001 माइनस 0. क्या है आपका, 001001 एंड रिपीटिंग, सो आपके पास क्या बचा, ये भी रिपीटिंग है, आपके पास क्या बचा, 1 बचा, सो 990x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1/990, सो इट इज़ अगेन यू ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स अवर रेशनल नंबर। दिस इज हाउ वी हैव परफॉर्म दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 1.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1।
now we are moving for the next question, which is question number 4. So please continue. So before proceeding, let us check once again this. Hope this is very much clear to you. This part where we have multiplied by 1000 to make it decimal free, that is 1.001001. So we have performed these operations, and now we have subtracted 2, subtracting 1 from 2. So we have subtracted this 1000x minus x and this. So here we have got, oh, it's 999, sorry, because 1000, let's say 1 minus karenge to 999 bachega. So yahan pe 999 kar dijiye. This is our first question over. Now we are moving, sorry, this is our third question over. Now we are moving for the fourth question. Okay guys, so we have our question ready. Express 0.9999 repeating in P upon Q form, where Q is not equal to, are you surprised by your answer, which your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Okay, so we are proceeding for this question. Well, first of all, let us assume that x equals to 0.9999 and repeating. I am giving it equation number 1. So what we have done in earlier questions, just multiply to eliminate this 0.9999999 completely. So which number I need to multiply this x? Simply 10. So do it multiplying 1 by 10. So what we will get? 10x equals to 9.99999 and repeating. This repeating equation number 2. Subtracting 1 from 2. The same operation that we have performed earlier. You only need to check whether these pointer number or pointer digits have been eliminated or not. You only need to focus on that. So for that, what we have done, we simply multiplied this x by 10 so that we can get, so that we have got 9 as excluded part of decimal, and then we have taken the same rest of the number which was repeating as it is. So doing this, we will get 10x minus x, and here we will get 9.99999 repeating minus 0.99999 repeating. So what we have got here? Here we have got 9x, and here we have got 9.0. Ultimately, what we have got, x equals to 9.0 upon 9, which will give you 1.0. Ultimately, x is 1 upon 1, which is in the form of P upon Q. Now, they have said that, are you surprised with your answer? Yes, we are surprised, because, you know, we have got 1. Apart from 0.999, what we have got, the rational number is 1. Why? Because you can easily check here that 0.9999999 and repeating it wrong. It is tending towards 1. It is approaching towards 1. You can easily check it. 0.999999, it is obviously, it is approaching towards 1. So we can write it as in the form of 1 upon 1 as our answer, as a rational number. Okay. So hope the idea is clear. The concept is clear, why we have wrote it as 1 and what we have got as 1, because 0.999 already approaching towards 1. Okay, so it's that, it is the only reason that we have received 1 as our rational number in the form of P upon Q, 1 upon 1. Okay, so answer makes sense. Okay, thank you. For the next question, question number 5, we are approaching towards question number 5. Okay friends, so the question is ready. Question says that, what can be maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. Okay. So first of all, I would like to tell you that what is a repeating block. मान लीजिए कोई नंबर है, उसको हम किसी नंबर दूसरे में से डिवाइड करते हैं, और वो नंबर डिवाइड होने का जो क्वेश्चन है वो किसी पर्टिकुलर डिजिट के ऑर्डर के बाद रिपीट होने लग जाता है, तो उसको हम रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं. द सेट ऑफ नंबर्स बिफोर रिपीटिंग इज कॉल्ड इट्स रिपीटिंग ब्लॉक. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1/3, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक नंबर है 0.001, उसके बाद फिर वही रिपीटिंग हो रहा है, तो 0.001 के बाद फिर 001 आने लग जाएगा, तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक होगा.
जहाँ पर वो रिपीट होना चालू हो जाता है, तो दिस इज़ अ रिपीटिंग ब्लॉक। तो ऐसे हमको बताना है कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट रहेंगे उसकी रिपीटिंग ब्लॉक के पहले, वो हमको बताना। तो वो संख्या जो रहती है नंबर्स की, द नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक इज गिवन एज व्हाट नंबर इज 17 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1। सो वी हैव टू डिवाइड 1 बाय 17, सो वी हैव 16 नंबर्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक बिकॉज 17 इज द नंबर दैट इज गेट क्वेश्चन एज 1, सो द नंबर विच इज लेस देन 17 इज 16 एंड इट विल बी द डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स दैट विल बी रिपीटिंग ब्लॉक, दैट विल बी फॉर्मिंग अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 16 नंबर्स। And after 16 number, there will be one more number which starts repeating again. So the same repeating block like this. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Then again after this 16 number, it starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I hope this is clear to you. So this is repeating block. Is repeating block mein kitne digits numbers rahenge? Jab hum 1 ko 17 se divide karenge, to wo aayenge 16. Hum check kar lete hain. यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा हमको चेक करने के लिए, मैं करता हूँ आपके लिए, आप भी साथ साथ करेंगे, करिए। लेट अस डू इट। 1 को डिवाइड करते हैं हम, ये अपना पोर्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें डिजिट 16 आना चाहिए, ठीक है, 16 डिजिट आना चाहिए। मैं 70 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, ठीक है। सो पॉइंट लग गया पहले 0, अभी भी नहीं लगेगा तो फिर एक 0 लग गया, तो 0 यहाँ हो गया, 100 हो गया मेरा। 17 5 ज़ा 85, तो 5 टाइम्स 85 आया, यहाँ पे 15 बचेगा, ओके 0। 17 7 ज़ा 119, 8 टाइम्स 136, 0। व्हाट विल बी द आउटकम here? Again 8, 136, 136, so we'll get 4, here 0, so here again a 0, put a 0, 17 to the 34, I got 6 is 0, 3, 51, cross, 5, 85, 5 left, 2, 34, I got 6, here 1, so 0, 9, 153, cross, cross, 0, 4, 17, 4, 68, 17 1 the 70, 1, 0, 17 1 the 70, 3, 1, 0, 7, 17 7 the 119, 1, 0, 6, 102, so 8 left, 0, 0. 4, 68, 2, 1, 0, 7, 119, I have left with 1, so 17, there doesn't seem to be divisible, right? 10 is not divisible, so 0, put here 0 here, so I have made 100. 17 5 you can see that 05 has started repeating again, the same number which is getting repeated, so 8, so and so on, we have started getting repeating block. So what is the repeating block? You can see here, this one is our number of this one is our range of repeating block, which is here, and this is started, this has started repeating, the same number block is repeating. So this is the repeating block, and how many digits are there?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. As I've told that 16 digits are there in repeating block. So we have proved it that at most 16 digits will be there in repeating block of 1 divisible 1 divided by 17 in that case. So this is our answer. I hope guys this is very much clear to you. So this ends our question number 5 and this ends our video. Guys, if you really enjoyed, like this concept and understood your problem very well, then please do subscribe this channel, share with your friends and recommend it to your colleagues, right? So, and stay tuned for the coming videos, important and interesting videos. Stay tuned guys. Thank you for watching. Thank you for your time. Thank you.